तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूँ। मैं हूँ रोशन और आप देख रहे हैं रोशन राज HD चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई बनाने के लिए आप आय प्रमाण पत्र घर बैठे कैसे बनाएंगे। और यहाँ पर आपका अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा अपने बनाने के लिए, साथ ही साथ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं उसका सारा वीडियो बना चुका हूँ और इसमें मैं आपको बताऊँगा केवल यहाँ पर आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए कि आय प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैनल पर अभी तक आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप के दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मन में किसी भी तरह का अगर सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। इस वाले वेबसाइट पर चले आएंगे, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से इस वाले वेबसाइट पर डायरेक्ट चले आइएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है, लोगों के जस्ट नीचे यहाँ पर लॉगिन करना है। यहाँ पर लॉगिन करें कि आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना होगा, जो कि यूज़र आईडी और पासवर्ड मैं बनाने के लिए एक वीडियो बना चुका हूँ। उस वाले वीडियो को देखकर आप अपना खुद का यूज़र आईडी पासवर्ड बना सकते हैं, जिसके माध्यम से आप फ्री में जाति, निवास, आय, OBC बहुत सारे सर्टिफिकेट इसमें बना सकते हैं, जो इसमें सर्विस दिया गया है। तो पहले आप उस वाले वीडियो को देखिए, और आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो उस वाले वीडियो को देखकर आप अपना आईडी पासवर्ड बना लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड फिलअप कर लेता हूँ। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन हो जाता हूँ। तो इस वाले वेबसाइट में आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर मेनू का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर सर्विस पर आना है, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो भी सर्विस दिया गया है ये RTPS के माध्यम से दिया गया है। आप अपना आईडी अगर पासवर्ड बना लेते हैं तो बहुत सारे सर्विस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर सर्च वाले बॉक्स है, इस पर क्लिक करना है जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहता हूँ, तो इनकम सर्टिफिकेट के लिए INCOME लिखेंगे, इनकम। जैसे आपको जाति, निवास, आय बनाना होगा तो यहाँ पर जाति के लिए कास्ट लिखेंगे, और निवास बनाने के लिए रेसिडेंशियल लिखना होगा, और आय बनाने के लिए इनकम लिखना होगा। OBC बनाने के लिए OBC लिखेंगे। और जैसे आप जो भी आप डॉक्यूमेंट जैसे जाति, निवास बनाना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। तो यहां पर मैं RO लेवल का यहां पर बनाना चाहूंगा, जो ब्लॉक में बनता है जाति, निवास, आय। तो यहां पर आय बनाने के लिए यहां पर RO लेवल पर क्लिक करूंगा, सेकेंड वाला ऑप्शन चूज करना है, और यहाँ पर आपको फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो आपको फॉर्म भरना है। तो ये वाला फॉर्म आपको पूरा फिलअप करना है। फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे आएंगे और थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे लिंक लिखा गया है, इस पर क्लिक करना है। आपको जो भी आपका अपने अनुसार सेलेक्ट करें, जैसे स्त्री या पुरुष जो भी होंगे, यहाँ पर अभिवादन का नाम सेलेक्ट करेंगे श्री, और इसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ, इस तरह से नाम लिखेंगे। जैसे स्पेस करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर देखेंगे आवेदक का नाम में यहाँ पर हिंदी में आ जाता है, यानी कि यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हिंदी में होगा। ऑटोमेटिक हिंदी में लिखने के लिए यहाँ पर आपको नाम अपना लिखेंगे, इसके बाद जो भी, जैसे मैं कुमार लिखता हूँ यहाँ पर, इसके बाद जैसे यहाँ पर स्पेस पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पर हिंदी में नाम आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर पिताजी का नाम लिखेंगे तो यहाँ पर स्पेस करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक हिंदी में आएगा। इसके बाद उसी तरह से माताजी का नाम, तो यहाँ पर भी स्पेस करने के बाद हिंदी में आ जाएगा माताजी का नाम। इसके बाद हस्बैंड का नाम होगा तो यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी है तो डाल देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे, यानी स्टेट। इसके बाद यहाँ पर जिला अपना सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको आना है यहाँ पर अनुमंडल सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है, जो भी आपका प्रखंड होगा। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर स्थानीय निकाय प्रकार दिया गया है, टाइप ऑफ लोकेशन बॉडी। आप अगर ग्राम मोहल्ला में रहते हैं, यानी कि गांव में रहते हैं ग्राम में, तो यहाँ पर ग्राम पंचायत सेलेक्ट करें। अगर नगर परिषद में रहते हैं यानी शहर में, तो यहाँ पर नगर परिषद अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पंचायत का नाम सेलेक्ट करना है, आपको पंचायत यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से जो भी आपका पंचायत होगा। इसके बाद यहाँ पर विलेज का नाम लिखेंगे, इसके बाद पोस्ट ऑफिस, इसके बाद यहाँ अपना थाना लिखेंगे, जो भी आपका थाना होगा, इस तरह से। और थाना का नाम यहाँ पर टाइप करने के बाद यहाँ पर पिन कोड डालेंगे, जो भी आपका पिन कोड होगा। इसके बाद आपको नीचे आना है थोड़ा सा, और इसके बाद आपको यहाँ पर फोटो एक सेलेक्ट करना है, जो भी आपका कैंडिडेट होंगे उनका फ़ोटो। इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर में आपको छोड़ देना है, आधार नंबर नहीं डालना है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे पैसा, अपना पैसा सेलेक्ट करें, जो भी इनमें से होंगे। जैसे स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट पर क्लिक करूँगा। इसके में आवेदक का उद्देश्य, आपको आवेदन कहाँ देना है, जैसे मुझे यहाँ पर कॉलेज में देना है तो मैं यहाँ पर कॉलेज टाइप करूँगा, और स्पेस करने के बाद ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा। यहाँ पर सरकारी सेवा से जितना आय होता होगा आपका यहाँ पर डालेंगे, और यहाँ पर कृषि से जितना आय होगा डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर व्यवसाय से आय जो आप करते होंगे, यानी आपके माता पिता, तो उनका यहाँ पर आय डालेंगे। इसके बाद अन्य स्रोत से जितना होगा आप अपना सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर 90,000 से कम का आय नहीं बनता है, उम्मीद कम रहता है 90,000 से कम बनाने के लिए। यहाँ पर आप अपना डालेंगे जितना आपका बनता होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जो भी आपने डिटेल अभी तक फिलअप किया है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आप मिला लेंगे।
इसके बाद आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर ये कैप्चा शो हो रहा है, इस वाले बॉक्स में इस तरह से फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा सा और नीचे आना है और यहाँ पर एक प्रोसीड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। तो डिटेल्स आप पूरी तरह से यहाँ से फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है, यहाँ पर ओके। तो अभी तक आपने जो भी डॉक्यूमेंट फिलअप किया है यानी जो भी डिटेल डाला है, वो सभी डिटेल यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी आपका डिटेल अगर कहीं गलत है तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एडिट का सेक्शन है, इस पर एडिट कर सकते हैं जाकर। मेरा डिटेल सही है, यहाँ पर सही होने के बाद आपको अटैच एनेक्सवर पर क्लिक करना है आगे बढ़ने के लिए। अटैच एनेक्सवर, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक डॉक्यूमेंट दस्तावेज़ आपको डालने के लिए ऑप्शन ओपन होगा, जैसा कि आप यहाँ से दे सकते हैं कोई इनमें से। जैसे आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आपको इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, मनरेगा, ड्राइविंग प्लान, जो भी। इसे मैं आधार देता हूँ। यहाँ पर चूज फाइल पर आएंगे, यहाँ पर अपना फाइल सेलेक्ट करेंगे जो भी आपने डाला है। जैसे आधार सेलेक्ट किया तब यहाँ पर मैं आधार डाल लिया हूँ। इसके बाद सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से आपको डिटेल्स यहाँ पर पूरी तरह से ओपन हो जाएगा, जो भी आपने डिटेल अभी तक फिलअप किया हुआ है यहाँ पर डिटेल देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि आपने यहाँ पर जो भी डिटेल फिलअप किया अभी तक यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर लास्ट है वो सबमिट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल सबमिट हो जाएगा। डिटेल सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पर एक रिसीविंग प्राप्त होगा, जो इसी रिसीविंग पर लिखा हुआ रहता है कि आपको किस दिन आपको आय प्रमाण पत्र मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो सेवा प्रदान करने की तिथि, यहाँ पर डेट लिखा गया, उसी दिन आपको डाउनलोड होगा। डाउनलोड करने के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ जिसमें आप जाति, निवास, आय, करेक्टर, कोई भी आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसको वीडियो देखने के लिए आपको उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से उस वाले वीडियो को देखकर अपना सारा डिटेल घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ से आपको इस वाले रिसीविंग को आपको प्रिंट करके यहाँ से रख लेना है, ताकि आपको जो भी आपको डॉक्यूमेंट आपने अभी तक अप्लाई किया है उस वाले अप्लाई करने के लिए एक आपको प्रूफ हो जाएगा आपको कि ये वाला डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा।